मिस्टर शेंगवा, यूजी हॉस्पिटल वाला केस आप ले सकते हैं? वो केस मैं नहीं ले सकता। लेकिन ऐसा क्यों? वकीलों की भी अपनी कमजोरियां होती है और कुछ स्ट्रॉन्ग एरियाज भी, और इस यूजी हॉस्पिटल के मामले का ताल्लुक मेडिकल डिस्प्यूट्स और मेडिकल बोर्ड के साथ है, और जिन केसेस पे भरोसा ना हो मैं उन्हें नहीं लेता। आपने कई साल यूजी हॉस्पिटल के साथ काम किया है, उनके कई मुकदमा भी जीते हैं जो आपने लड़े थे। आप कर सकते हैं, एक बार कोशिश तो कीजिए। कॉन्गडोंग, तुम अपनी मतलब की वजह से ये केस लेने पर मुझे मजबूर करना चाहती हो ना? लोन वाला केस जल्द शुरू होने वाला है। अच्छा, यही होगा कि अपना पूरा ध्यान तुम वहां लगाओ और मुझे मायूस मत करना। कॉन्गडोंग, क्या कुछ गलती हुई है तुमसे? मिस्टर शेंगवान तो बहुत ठंडे दिमाग के आदमी हैं, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि वो तुमसे इस तरह से बात कर रहे हैं? मैंने बस उन्हें केस लेने के लिए कहा था। कॉन्गडोंग, मेरे ऑफिस में आओ। कम इन। मिस्टर शेंगवांग, मैंने बहुत जल्दबाजी दिखाई, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। वेन शाओकिंग तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना? जी। अच्छा, तो इसलिए तुम उसकी मदद करना चाहती हो? मैं मानती हूँ इसमें मेरा मतलब शामिल है, लेकिन वजह सिर्फ ये नहीं है। मैंने हॉस्पिटल में इंटर्नशिप की थी, मैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के बारे में जानती हूँ। अगर इसे ठीक से हैंडल नहीं किया जाए तो बहुत परेशानियाँ हो जाती है। पेशेंट और उनके फैमिलीज क्या सोचते हैं ये ज़रूरी है, लेकिन डॉक्टर्स भी बहुत काबिल होते हैं। जहाँ तक केस की बात है तो मुझे लगता है कि ये केस लेकर मैं उसकी मदद कर सकती हूँ। ठीक है, तुम लोन वाले केस की तैयारी करो और ये वाला केस मैं खुद देख लूंगा। क्या सच में? आपका शुक्रिया मिस्टर शेंगवांग। फर्दर डिटेल्स के लिए मुझे मेरे क्लाइंट से बात करनी होगी, जब भी वो फ्री हो मुझसे मिलवा देना। ठीक है, मैं अभी उसे कॉल कर देती हूँ। और हाँ, तुम्हें उस लोन वाले केस में कड़ी मेहनत करनी होगी। जी सर, मैं पूरी मेहनत करूंगी। पहली बार मुझ पर कोई कानूनी इल्जाम लगा है, दिलचस्प है। बदमाश लड़के, इतनी मुसीबत में हो और अभी भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। बैठो। देखो, हालात कुछ ऐसे हैं कि मरीज के घर वालों ने अस्पताल पर हर्जाना दायर किया है। अस्पताल के लिए तो आम सी बात है ये, मेडिकल एसोसिएशन पुलिस से निपट रही है और बाकी मसलों से भी हम निपटने की कोशिश कर रहे हैं। चेंचो ने बताया मुझे इस बारे में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना इसमें? हमने भी इस बारे में बात की थी, हो सकता है कि तुम्हारे लिए दिक्कतें खड़ी हो जाए। जानता हूं काफी प्रेशर है हॉस्पिटल पर, जो फैसला होगा मुझे मंजूर है। बस एक ख्याल है कि जल्द से जल्द हॉस्पिटल वापस आ पाऊं। जानता हूं तुम वापस आने के लिए बेताब हो, जिन सीनियर्स ने अपने सामने तुम्हें फलते फूलते देखा है उन्हें तुम्हारी बेहद फिक्र है। अगर अस्पताल तुम्हारे लिए कोई अच्छा वकील हायर कर ले तो उम्मीद है कि तुम्हारे कैरियर पर कोई दाग नहीं आएगा। सर, लगता है आप कॉन्गडोंग को भूल गए हैं। हाँ, उसे तो मैं भूल ही गया। तो ठीक है, चलता हूँ। ठीक है, फिर मुलाकात होगी। हाँ, अपना अच्छी तरह ख्याल रखना, समझ गए? बाय। बॉस, यहां। तुम यहां कैसे?
तुम तो ड्यूटी पर हो ना? चिंसू को पता था कि आप आ रहे हैं, इसलिए उसने आपके लिए नाश्ता बनाकर मुझे देने को कहा। और कुछ? बॉस, आप वापस कब आएंगे? क्यों, तुम्हें बहुत शौक है क्या सजा पाने का? सच तो यह है कि आपके बिना कुछ भी सीखने का बिल्कुल दिल नहीं करता हमारा। प्लीज वापस आ जाइए। डॉक्टर, अगर आप इस हॉस्पिटल में डॉक्टर ही ना रहे तो कम से कम लेक्चर्स तो दे सकते हैं ना आप हमें। ये क्या कह रही हो? ऐसी बातें कर रही हो? डॉक्टर बनना इनकी किस्मत में लिखा है। बॉस डॉक्टर के पोजीशन में ही वापस आएंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। आपका इंतजार रहेगा। जी बिल्कुल इंतजार रहेगा। शुक्रिया, वादा करता हूँ जल्दी लौटूंगा, पर जब तक नहीं आता अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से निभाना। ठीक है, चलो वापस चलते हैं। बाय बॉस। वेट करूंगा बॉस। सर, क्या आपकी अपॉइंटमेंट है यहाँ पर? जी, मिस कॉन्ग्रॉन के साथ। मैं आपका नाम लिस्ट में चेक कर लेती हूँ। इसकी जरूरत नहीं है, ये मिस्टर शेंगवान के क्लाइंट है। मिस्टर शेंगवान अपने ऑफिस में आपका वेट कर रहे हैं। कोई और नहीं मिला तुम्हें? तुम खुश नसीब हो कि तुम्हें वो मिले हैं। नखरे मत करो। तुम जानती हो ना कितना गुस्सा था मुझे उस पर। ये हमारे फर्म के सबसे बेहतरीन वकील है मिस्टर शेंगवा। बहुत सुना है आपके बारे में। ये है यूनजे हॉस्पिटल के माहिर डॉक्टर वेन शॉकिंग। हाँ, पहले मुलाकात हो चुकी है। कॉन्ग्रॉन्ग। हाँ? माना कि डॉक्टर वेन अजनबी नहीं है। लेकिन इनके लिए कुछ लेके तो आओ। सॉरी, मैं अभी लाती हूँ इनके लिए। कॉन्ग्रॉन्ग ने कहा कि आप बेहतर केस हैंडल कर सकते हैं, आप पर भरोसा है मुझे। ये तो आपका बड़प्पन है, ऐसे केसेस रिस्की होते हैं और अदालत में कार्रवाई से पहले तो कोई भी केस जीता नहीं जा सकता। अक्सर पेशेंट्स की फैमिली से मैं ऐसा ही कुछ कहता हूँ, सर्जरी में रिस्क होता है, सक्सेस की गारंटी नहीं होती। ऐसा एक सिचुएशन मुझे फेस करना होगा, कभी सोचा नहीं था। सच कहूं तो उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरे पास आओगे। उम्मीद तो मैं भी नहीं करता आपका हॉस्पिटल देखने की। खैर, अब से मैं तुम्हारा वकील हूं। मुझे सब कुछ डिटेल में बताओ, एग्जैक्टली क्या क्या हुआ था, कहां हुआ, क्या वजह थी और इसका नतीजा क्या निकला। तो ऐसा हुआ था कि बेड नंबर 3 का मरीज, जिसकी हालत बहुत खराब थी, उसे ए नीड्स देना जरूरी था, लेकिन उसकी फैमिली जिद करने लगी। मेरे स्टूडेंट्स और ऑफिस के लोगों से उन्होंने बदतमीजी की। ठीक है, मुझे काफी कुछ पता चल गया है, आज के लिए इतना ही काफी है। बैठो तुम। माफी चाहता हूँ, इंतजार करो। कोई बात नहीं, वैसे भी आपने मेरे लिए वक्त निकाला, उसलिए शुक्रिया। बातचीत हो गई। काफी कुछ जान लिया है मैंने, अब तुम उससे बात कर लो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। आइए इस तरफ। इतनी जल्दी बात हो गई? मिलने की जल्दी थी इसलिए। तुम्हें मुझे तंग करने में मजा आता है ना? नहीं तो? यहाँ पर साइन करो, ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसमें फीस क्यों नहीं लिखी हुई है? ओह, ये मैं साइन करने के बाद भरूंगी, ताकि अगर तुम मुझे तंग करो तो मैं तुम्हारा सब कुछ ले लूंगी शॉपिंग। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने तो पहले ही अपना सब कुछ तुम्हें सौंप दिया है। अच्छा।
अच्छा तो फिर इसे पढ़े बिना जल्दी भर लो, वक्त बर्बाद नहीं। क्या हुआ, गलत साइन कर दिया? मैं दूसरी कॉपी लेकर आऊंगा। नहीं रहने दो, तुम्हें प्रॉब्लम होगी मैं इसी पेपर में मैनेज कर लूंगा। वैसे मुझे ब्लू से लिखने की आदत नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दूसरा लेकर आती हूँ ना। कहना जरूरत नहीं है, बेकार में दिक्कत होगी। परेशानी की क्या बात है, अपने खून से दस्तखत कर दो। फिंगरप्रिंट्स भी चाहिए। ऐसे कैसे कर दूं? मुझे पहले शादी के लिए फिंगरप्रिंट्स की जरूरत नहीं होती, सब कुछ बायोमेट्रिक्स। क्या बात है, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही मालूम है। चलो चलो जल्दी करो। क्या हुआ? अगर मेरा मतलब है, अगर मैं केस हार गया तो, और डॉक्टर ना रहा तो, फिर भी ऐसे ही साथ दोगी? मैंने इतने साल लॉ की पढ़ाई की है, जानते हो मुझे किस बात ने मोटिवेट किया? किस बात? यही कि अलग होने में बुराई नहीं है, जो सही है उन्हीं का साथ देना चाहिए, और जो आपके अपने हैं उनका भी। वादा करती हो तुम हमेशा डॉक्टर रहोगे? मेरा इतना ख्याल रखने के लिए बहुत शुक्रिया। चेंग चेंग, क्या बात है? हाँ विनरंग, वैसे तुमने मुझे बहुत ही गलत वक्त पर फोन किया है। फिर से गिर गया, लगभग हो ही गया था। डियर चिंची, तुम सच में खुश हो? मैं पहले भी ऐसी थी, तुम तो मुझे जानती हो। हाँ, लेकिन काफी दिनों से तुम ऐसे नहीं लग रही हो। हाँ तो क्या हुआ था मुझे पहले, कोई भूत चढ़ गया था क्या? मैं बहुत ज्यादा जज्बाती थी और इमेच्योर। अब समझ आ गया है कि यही तरीका है जिंदगी जीने का। वेन रैंक तो अब मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आता। देखो, मैं ये बात अब समझ गई, जिंदगी में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमारी जिम्मेदारियाँ होती हैं और उसे हमें निभाना है। जिंदगी में प्यार ही तो सब कुछ नहीं होता है ना। सच में कोशिश तो कर रही हूँ। प्यार अगर दोनों तरफ से हो तो बात नहीं है, अगर मैं ही उसके पीछे पड़ी रहूँगी तो अपने कदम नहीं खोदूंगी। चल चल के कुछ खाते। नहीं, मुझे दोबारा खेलना है, प्लीज रुको ना। कहाँ ले जा रहे हो? बोरिंग है ये, काफी देर से खेल रहा हूँ, राउंड पार ही नहीं हो रहा। खेलना जो नहीं आता तो राउंड कैसे पार होगा? और कोल्ड ड्रिंक रखी हुई है क्या? अगर उससे प्यार है तो बताते क्यों नहीं? उसका पहली बॉयफ्रेंड है। ऐसा कब हुआ? अचानक से मैंने भी सब कुछ अपने हाथों बर्बाद कर दिया। अचानक?
मुझे नहीं लगता ये सब अचानक हुआ है। देखो जरा खुद को। तुम्हें लगता ये सब नसीब का खेल है? कभी कोशिश भी तो नहीं की तुमने? चुप हो जाओ। अगर सच सुनने की हिम्मत नहीं है तो मैं चुप हो जाता हूँ। क्या मैंने प्यार में पहल नहीं की? जान के जाने के बाद मैंने उसे कितना ढूंढा। तुम उसे पागलों की तरह चाहते थे जो तुम्हारे लिए ठीक नहीं था। तुम किसी के लिए भी खुद को नहीं बदलते, और ना ही जान की याद के लिए बदला खुद को, और ना ही चैन चैन के लिए। क्या मैं इतना खुद कर सू नहीं हो क्या? वो क्या कहावत थी, मैं कभी खुद को नहीं बदलूंगा। जैसा चल रहा है चलने दो। तुम अपनी सोच से बाहर निकलना ही नहीं चाहते। खैर मैं जा रहा हूं खाना बनाने। बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगे हो। जा रहा हूं मैं। हाँ अरे खा के तो जाओ। नहीं विनरंग, अब अकेले खेलो गेम। तुम ही कह रहे थे ना कि मैंने कभी पहल नहीं की। जब पहुंच जाओ तो मुझे एक टेक्स्ट कर देना। अब तुम जाओ। अंकल, अंकल क्या मुझे बुलाया? कोंगरंग और मैं हम उम्र हैं, उसका बॉयफ्रेंड आपका भतीजा है, फिर तो आपको अंकल ही बुलाना चाहिए ना मुझे। सही कहा। ये क्या ये टूट गई है? हाँ किसी ने फ्रंट व्हील चुरा रही है। आइए गाड़ी में बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ देती हूँ। शुक्रिया। खूबसूरत दिख रही हूँ क्या मैं? थोड़ी बहुत। अच्छा आप बताइए आप कैसे हैं? ठीक हूँ। वैसे तुम भी ठीक लग रही हो। मैं ठीक ही हूँ। पापा से मेरी सुलह भी हो गई है, अब उन्होंने यकीन भी कर लिया है कि मैं मैच्योर हो गई हूँ। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है अभी भी? हाँ। इस बार ख्याल रखना अपने बॉयफ्रेंड का, कहीं तुम्हें धोखा ना दे जैसे पिछली बार हुआ था तुम्हारे साथ। उसने तुम्हें रोने के लिए अकेला छोड़ दिया था। नहीं छोड़ेगा। वो दरअसल मेरे पापा के दोस्त का बेटा है, जानती हूँ उसे। तुम किसी के लिए खुद को नहीं बदलते, और ना ही जंग की याद के लिए बदला खुद को, और ना ही चंग चंग के लिए। चंग चंग में हाँ? सिग्नल ग्रीन हो गया। अभी मिस हो जाता। जंगचिंग मैं तुमसे एक बात सुनिए, मेरी बात खत्म नहीं हुई है अभी। वैसे मैंने उस दिन जियांग्याओ को गलत समझा था, उसे मेरी तरफ से सॉरी कह देना। और हाँ मेरे पापा एंटीक का बिजनेस करते हैं,
तो जियांगयाओ के साथ उनका कोऑपरेशन बेहतर रहेगा। उसे मेरे डैड से मिलवा दीजिएगा। गाड़ी रोको। पर हम तो अभी नहीं पहुंचे। दम घुट रहा है, वॉक करना चाहता हूं। मैं तुम्हें उसका नंबर भेज दूंगा। इसे कहने के लिए मुझे पहले हिम्मत लानी होगी। सुनिए सुनिए। हाँ बोलो। इतना शोर क्यों कर रहे हो? मुझे स्टोर जल्द खोलना है, इसीलिए इस वक्त भी काम कर रहा हूँ। शायद तुम भूल रहे हो कि रात को 7 बजे के बाद रिनोवेशन की इजाजत नहीं है। आपको कहीं भूल हो रही है, ये कारोबारी इलाका है तो काम नहीं रुकेगा। अगर आपको इतना प्रॉब्लम हो रहा है तो घर जाइए, सो जाइए, मुझे तंग मत कीजिए, ठीक है? ए चलो काम शुरू करो। दरवाजा यहाँ क्यों है? मैं यहाँ पे दीवार खड़ी करवा देता हूँ, ठीक है? तुम ऐसा नहीं करोगे? क्यों नहीं करूँगा? ये दरवाजा बंद नहीं कर सकते। मेरी दुकान तुम्हारे दुकान के साथ है और ये सेफ नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर लॉक लगा लो। मेरी मर्जी, तुम कहो ना, तुम यहाँ दीवार खड़ी नहीं कर सकते हो। ये तेरा प्रॉब्लम क्या है बे? है? तब से कुछ भी बके जा रहा है। मैं पुलिस बुला लूंगा। हाँ तो बुला लो ना, बहुत वक्त है मेरे पास। अरे पागल है क्या तू? सही कहा। तू रुक यहाँ, अभी आता हूँ। आदमी पूरा पागल है, तुम यहाँ आओ और मामला संभालो। हाँ क्या हुआ? अगर तुम यहाँ अभी नहीं आई तो मैं तुम्हारा स्टोर किराए पे नहीं लूंगा। तुमने फिर पी है? हाँ वो बस अपने दोस्तों के साथ पी ली थोड़ी मैंने। वो वर्कर कहाँ है?
हॉस्पिटल गया है पट्टी करवाने। तुम्हें भी तो लगी है, तुम्हें भी पट्टी करवानी चाहिए। जरूरत नहीं है मुझे। चलो उठो, हॉस्पिटल चलते हैं। सबको परेशान करते हो। घर वालों को तो पता नहीं है, और कौन परेशान होगा। मैं मेरा मतलब है कि तुम्हें उसका भी बिल भरना होगा और अपना भी। छोड़ सकती हो अपने बॉयफ्रेंड को? बहुत बेकार इंसान है वो, जो इतनी बरसाती मौसम में आधी रात को तुम्हें बाहर आने दिया। उसे तुम्हारी फिक्र नहीं है। हाँ, फिक्र तो है नहीं, और ना कभी होगा। वो तुम्हारे साथ ठीक तो है? हाँ, वो अच्छा है। तुम लोग तो मैच्योर कहते थे ना मुझे, तो अब मैं मैच्योर होने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अब खुद ख्याल रख लूंगी अपना, किसी की भी जरूरत नहीं है मुझे। बहुत देर हो गई है, उसे कहा भी नहीं मुझे ले जाने के लिए, क्योंकि मैं चाहती थी कि उसकी नींद खराब ना हो। लो, तुम खुद ही लगा लो, या फिर किसी नजदीकी क्लिनिक पर चले जाओ। और अगर उसे बीच में दीवार खड़ी करनी है तो करने देना। वाकई तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता? तुम तो खुद ही मुझे रेस्टोरेंट की तरफ रहने को कहते थे, तो बनने दो दीवार। ठीक है, बन जाएगी दीवार। मैं उससे रेनोवेशन की बात कर लूंगी, अभी तो बहुत देर हो चुकी है। चलती हूँ मैं। दूसरी मुलाकात है। हम विन शॉकिंग के लॉयर हैं। ये है मिस्टर शेन गॉन और मैं हूँ कॉन्ग्रॉ। मिस कॉन्ग, हमने इस केस में दोस्ताना बातों के लिए आपको बुलाया है। हमें मुआवजे में 6 लाख चाहिए। 6 लाख? हाँ, क्योंकि मेरा पेशेंट अब तक हॉस्पिटल में पड़ा है, आईसीयू में। हाँ, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है। एक मिनट, ये दोनों अलग बातें हैं, कृपया इन्हें ना मिलाए। गवाहों के बयान से साबित होता है कि लड़ाई आप लोगों ने शुरू की थी, इसीलिए आपका दावा बेबुनियाद है। आप एक बात अच्छी तरह से समझ लीजिए, साबित करने के लिए सबूत चाहिए होगा, और उस वक्त सारी डॉक्टर्स उन्हीं के साइड में थे, है ना? मेरे ख्याल से हमें वो दबाना चाहते थे, और आप तो जानते ही हैं, हमारे साथ है सोशल मीडिया। चाहे कुछ भी हो, वो एक डॉक्टर है, उन्हें कोई भी हमला हम पे नहीं करना था। आपने विन शॉकिंग पर पहले हाथ उठाया। जानबूझकर हमला करना गैरकानूनी है, चाहे बात किसी की भी हो। आपने जानबूझकर बात को बढ़ाया।
हमारे पास सारे सबूत है, हम केस लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो। तो ठीक है, फिर केस हम लोग वापस ले लेते हैं और कॉम्पेंसेशन के बारे में बात कर लेते हैं। हमें कोई कॉम्पेंसेशन नहीं देना, विन शॉकिंग ने कुछ गलत नहीं किया और हम सच सामने लेकर आएंगे। हम आपकी बात समझ गए और आपका डिमांड भी, अब हम कानूनी जवाब देंगे। मुझे यकीन है कि आपकी ये बेबुनियाद डिमांड अदालत में कभी नहीं सुनी जाएगी और ना ही मानी जाएगी। ठीक है, हम चलते हैं। अरे मैं चलता हूँ, मेरी एक और क्लाइंट के साथ मीटिंग है, इनसे निपटना काफी मुश्किल है, बाकी की बात ऑफिस में चल के करते हैं। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। बात सुनिए जरा, आपको कुछ और भी कहना है? आप दोबारा इस बारे में सोचिए, आप तो डॉक्टर को जानते ही हैं, उन्हें मनाइए, अपनी नौकरी से हाथ धोना नहीं चाहते होंगे और वो भी मामूली रकम के लिए। कॉन्ग्रॉन्ग, क्या हुआ तुम्हें? हाथ में लग गया है। मुझे दिखाओ, हमें हॉस्पिटल जाना होगा, फ्रैक्चर लग रहा है। चलो। हाँ चिंचू, क्या बात है? कॉन्ग्रॉन्ग का हाथ फ्रैक्चर हो गया है, उसकी हालत भी खराब है, हम ऑर्थोपेडिक्स के पास है, तुम जल्दी आ जाओ। तुम परेशान मत हो, बस प्लास्टर लगेगा, ठीक हो जाओगे। लो, बॉस भी आ गए। क्या हुआ, अपना हाथ दिखाओ। मैं ठीक हूँ, बस सीढ़ियों से गिर गई थी पर हाथ में बहुत जोर से लगा। इतनी बड़ी हो गई हो, बचपना फिर भी नहीं गया। शायद तुम्हारे डर से ये सच नहीं बता रहे, ये पेशेंट के घर वालों से मिलने गई थी, ये इसके हाथ का एक्सरे है। मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। सॉरी। हल्का सा फ्रैक्चर है, घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन प्लास्टर करना होगा। ये तो मुझे भी पता है। जोंगजेंग, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? जाओ जाकर सारी प्रोसीडिंग्स देखो। हाँ। आराम से, आराम से। चलो। आइए बैठिए। यहाँ बैठो। मैं जाकर देख कर आता हूँ क्या हाल है। रॉन्ग, बॉस और तुम दोनों ही अजीब हो, एक सस्पेंडेड है और एक ने फ्रैक्चर करवा लिया, कहीं किसी की बद्दुआ तो नहीं लगी? बॉस, कॉन्ग्रॉन्ग को बहुत दर्द हो रहा है, आप आकर देख लीजिए। ये पकड़ो। क्या बात है? मैं ठीक हूँ, ये झूठ बोल रहा है। कॉन्ग्रॉन्ग, तुम अचानक से गिर गए और तुम्हें फ्रैक्चर भी हो गया, और देखो मेरे बॉस भी सस्पेंडेड है, कहीं तुम सीरियो से इसी परेशानी की वजह से तो नहीं गिर गई? चुप रहो। तुम चलो मेरे साथ। और लाइन का क्या? आ जाओ, आराम से बैठो यहाँ। वहां बहुत सारे पेशेंट्स थे, मैं कर देता हूँ। तुम ऑर्थोपेडिक सर्जन तो नहीं हो? पर मुझे आता है। हाँ सही कहा, वैसे भी तुम ऑलराउंडर हो। कौन सी बड़ी बात है, प्लास्टर ही तो है। मैं कर लेती डॉक्टर का इंतजार। क्यों, मुझ पर भरोसा नहीं है?
बॉस इतनी देर क्यों हो रही है? चुप हो जाओ। सब यहाँ आ जाओ, डॉक्टर बेन प्लास्टर लगा रहे हैं, आकर देख लो इन्हें। मैं दो बार यहाँ आई और दोनों बार लोग देखने आए हैं, पहली बार दांत निकलवाने और अब प्लास्टर करवाने। दोबारा मैं कभी नहीं आऊंगी। बॉस आपने बहुत अच्छे से बांधा है, लेकिन फिर भी मैं इसका इल्जाम तो आप पर ही डालूंगा। जब से कांगरंग आपके साथ है, इसे कोई ना कोई चोट लगती ही रहती है, और ये मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो उसे रुई में लपेट के रखता, उसे कोई भी आंच नहीं आने देता। तुम्हारा मतलब है किसी बार्बी डॉल की तरह? मैं तो बस मिसाल दे रहा था। मैं उसका बहुत ख्याल रखता, उसे कोई भी तकलीफ नहीं होने देता। ठीक कहा ना? सबको पता चल जाएगा कि तुम बुद्धू हो। इन्हें कहो जाए यहाँ से। चलो अब जाओ भी यहाँ से, ये मेरे घर का मामला है, जाओ तुम लोग। और तुम भी। हाँ जाओ ना। ओ यहाँ पर ठीक है? हाँ ठीक है, ये मेरा काम का हिस्सा बन गया है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, इसलिए खुद पर इल्जाम मत लगाओ। मुझे अफसोस है, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाया। केस यही बंद कर देनी चाहिए। बिल्कुल भी नहीं, तुम्हें मेरी फीस तो देनी ही पड़ेगी। दर्द हो रहा है?